नमस्कार, मैं चंदा कारपेंटर और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आज इंदौर वासियों के लिए अच्छी खबर आई है। इंदौर के दो युवा खिलाड़ियों ने इंदौर का गौरव बढ़ाया है। जी हां, इंदौर के जो दो युवा खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर्स जो है रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर का आईपीएल में चयन हुआ है। जी हां, कल जो गुरुवार को चेन्नई में 14वें आईपीएल सीजन के लिए जो नीलामी हुई, उसमें इंदौर के रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर को भी 20-20 लाख रुपए में खरीदा गया है। रजत पाटीदार को जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा खरीदा गया है और साथ ही वेंकटेश अय्यर को कलकत्ता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ये इंदौर के लिए काफी बड़ी बात है। जी हाँ, और साथ ही आपको बता दें कि जो गुरुवार को चेन्नई में आईपीएल के लिए नीलामी हुई खिलाड़ियों की, उसमें दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे हैं। इसमें आपको बता दें कि रजत पाटीदार हाल ही में कोरोना काल के बाद जो बीसीसीआई द्वारा आयोजित किया गया था घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट, उसमें जमकर सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारी थी। और वेंकटेश अय्यर की बात करें तो ये 2-3 सालों से रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, तो अब उन्हें आईपीएल में खेलने का मौका मिला है। अब वो लोग आईपीएल खेलेंगे। जी हाँ, उनकी 20-20 लाख रुपए में खरीदी हुई है। तो इसी तरह हर खबर के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ एमपी।